Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do poem The Children's Hour of your new English fairy book. This is given on page number 38. Let's start. First of all, warm up exercise. What are some of the ways in which you show affection for others? वो कौन से तरीके हैं जब आप दूसरों के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं? Tell them to your classmates. आपको ये अपने classmates को बताना है. Now, reading. Read this poem to know about the deeply affectionate bond that a father and his three daughters share. ये poem पढ़िए जिसमें क्या है? जिसमें है एक deeply affectionate bond, यानी बहुत गहरा प्यार का रिश्ता है एक फादर और उनकी थ्री डॉटर्स के बीच में. लेट स्टार्ट द पोयम. बिटवीन द डार्क एंड द डे लाइट. जब दिन की रोशनी खत्म होने लगती है और अंधेरा छाने वाला होता है उसके बीच का समय यानी शाम का समय. व्हेन द नाइट इज बिगिनिंग टू लोअर. जब रात की शुरुआत होने वाली होती है. कम्स अ पॉज इन द डेज ऑक्यूपेशंस. और दिन भर जो भी कोई कामकाज करता है उस पर एक पॉज लग जाता है यानी शाम के समय हर व्यक्ति अपने कामकाज से वापस अपने घर आ जाता है तो उसकी ऑक्यूपेशन में उसके कामकाज में एक रोक लग जाती है संध्या के समय. दैट इज नोन एज द चिल्ड्रंस आर. और पोएट कहता है कि ये जो समय है ये समय है बच्चों का समय क्योंकि आप बाहर से घर आते हैं आप सबके मम्मा पापा और आप फिर उनके साथ अपनी दिन भर की बातें शेयर करते हैं तो पोएट ने इस समय को बच्चों का समय कहा है चिल्ड्रंस आर कहा है. आई हियर इन द चैम्बर अबव मी. पोएट कहता है कि मुझे अपने ऊपर वाले फ्लोर पर आवाज सुनाई देती है. द पैटर ऑफ लिटिल फीट. नन्हे नन्हे पैरों के चलने की आवाज. द साउंड ऑफ अ डोर दैट इज ओपन्ड. वो दरवाजा जो खोला गया है उसके खुलने की आवाज. एंड वॉइसेस सॉफ्ट एंड स्वीट. और कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? सॉफ्ट और स्वीट, प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाजें. फ्रॉम माई स्टडी आई सी इन द लैम्प लाइट. अपने स्टडी रूम से वो लैंप की रोशनी में देखते हैं. डिसेंडिंग द ब्रॉड हॉल स्टेयर. जो हॉल की चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं वहां से कोई उतरकर आ रहा है. ग्रेव एलिस एंड लाफिंग एलेग्रा एंड एडिथ विथ गोल्डन हेयर. अब ये कौन उतर के आ रहा है? ये उनकी तीन डॉटर्स हैं, उनकी तीन बेटियां हैं. एलिस है, लाफिंग एलेग्रा है. एलेग्रा कैसी है? हमेशा हंसती खेलती रहती है. और एलिस हमेशा सीरियस रहती है, गंभीर रहती है. एंड एडिथ, एडिथ जिसके बाल सुनहरे हैं, गोल्डन हेयर हैं. ये तीनों डॉटर्स हॉल में सीढ़ियों से उतरकर आ रही हैं. अ विस्पर एंड देन अ साइलेंस. कुछ फुसफुसाने की आवाज और उसके बाद शांति. येट आई नो बाय देयर मेरी आईज. लेकिन फिर भी मुझे पता है, पोएट कहता है, उनकी आंखों की खुशी देखकर. दे आर प्लॉटिंग एंड प्लानिंग टुगेदर. वो किसी चीज की योजना बना रही है, उसका प्लॉट बुन रही है. टू मेक मी बाय सरप्राइज. मुझे सरप्राइज करने के लिए वो कोई योजना बना रही है आपस में. अ सडन रश फ्रॉम द स्टेयरवे. और सीढ़ियों से आते हुए एकदम से धड़धड़ाते हुए वो घुस जाती हैं. कहाँ पर? अ सडन रेड फ्रॉम द हॉल. हॉल से वो एकदम से स्टडी में ऐसे घुस जाती हैं जैसे रेड पड़ती है, मतलब एकदम धड़ाके से घुस जाती हैं. बाय थ्री डोर्स लेफ्ट अनगार्डेड. और वो तीनों घुसती हैं दरवाजे से और दरवाजे को खुला ही छोड़ देती हैं. दे एंटर माई कैसल वॉल. और कैसल वॉल किसे कहा गया है? कैसल का मतलब महल है, लेकिन यहाँ पर पोएट कहता है कि वो मेरे कैसल में यानी जो मेरा प्राइवेट एरिया है, मेरा स्टडी रूम है, वो तीनों धड़धड़ाते हुए मेरे स्टडी रूम में घुस जाती हैं. दे क्लाइम अप इनटू माय टरेट. और फिर वो मेरी नीज पर चढ़कर बैठ जाती हैं. और द आर्म्स एंड बैक ऑफ माय चेयर. और कहाँ कहाँ बैठ जाती हैं?
मेरी कुर्सी के पीछे और मेरी कुर्सी की आर्म्स पर, यानी जो हाथ रखने की जगह होती है वहां पर बैठ जाती है, एक पीछे और एक उनके नीज पर, घुटनों पर बैठ जाती है। दे सीम टू बी एवरीवेयर, ऐसा लगता है कि वो हर जगह हैं। दे ऑलमोस्ट डेवर मी विथ किसेस, और ऐसा लगता है वो मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने किसेस करती हैं जैसे वो मुझे खा जाएंगी प्यार से। देयर आर्म्स अबाउट मी एंटवाइन, और उनकी जो बाहें हैं वो मुझे कसकर मेरे चारों तरफ घेरा बना लेती हैं, आपस में गुथ जाती हैं। टिल आई थिंक ऑफ द बिशप ऑफ बिंजन, और जब तक मैं सोचता हूँ बिंजन के बिशप के बारे में, जो बिंजन के बिशप थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत क्रूअल थे, निर्दयी थे। इन हिज माउथ स्टार ऑन द राइन, और राइन रिवर के किनारे माउथ स्टार था, यानी जहाँ पर वो बहुत क्रुएल्टी से अपनी जनता के साथ पेश आते थे। डू यू थिंक ओ ब्लू आईड बैंडिटी, फिर वो कहते हैं क्या तुम जानती हो ओ नीली आंखों वाली, बैंडिटी कहते हैं रॉबर्स को, यानी नीली आंखों वाले लुटेरे। यहाँ पर लुटेरे कौन है, वो अपनी थ्री डॉटर्स के लिए प्यार से लुटेरे शब्द का यूज कर रहे हैं। बिकॉज यू हैव स्केल्ड द वॉल, अब उन्हें बैंडिटी लुटेरे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके कैसल की दीवारों में घुस आई हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया है। सच एन ओल्ड मस्टैच एज आई एम, फिर पोएट कहता है कि क्या मैं वृद्ध हो गया हूँ, क्या मैं बूढ़ा हूँ। इज नॉट अ मैच फॉर यू ऑल, क्या मैं तुम तीनों से बराबरी नहीं कर सकता, मैं वृद्ध हो गया हूँ। आई हैव यू फास्ट इन माई फोर्ट्रेस एंड विल नॉट लेट यू डिपार्ट, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने हृदय में कैद कर लिया है, मैंने अपनी बेटियों को अपने हृदय में कैद कर लिया है और अब मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बट Put you down into the dungeon in the round tower of my heart, और इस कैद खाने में जो मेरे हृदय में कैद है उनको मैं अब जाने नहीं दूंगा, यानी मैंने अपने हृदय में अपनी बेटियों को कैद कर लिया है हमेशा के लिए और अब मैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। And there will I keep you forever, और यहाँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए रखूँगा। Yes, forever and a day, हाँ हमेशा के लिए और एक दिन, यानी हर एक दिन के लिए कैद रखूँगा। Till the walls shall crumble to ruin, और तब तक कैद रखूँगा जब तक मेरे हृदय की दीवारें गिरने नहीं लग जाती हैं, नष्ट नहीं होने लगती है, तब तक मैं तुमको अपने हृदय में कैद रखूंगा। एंड मोल्डर इन डस्ट अवे, और जब तक मैं बूढ़ा होते होते खत्म ना हो जाऊं या मेरे हृदय की दीवारें डस्ट में ना बदल जाएं, समाप्त ना हो जाएं, तब तक मैं तुम्हें कैद रखूंगा। कवि कहना चाहता है, पोएट कहना चाहते हैं कि जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तुम तीनों मेरे हृदय की दीवार में कैद रहोगी। सो दिस वंडरफुल पोयम वॉज रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोयम। इफ यू लाइक द पोयम स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रेस ऑन लाइक बटन फर्स्ट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।